अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है फातिमा के किचन में। आज हम आपको रेसिपी बता रहे हैं आलू की सूखी सब्ज़ी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं जिनको मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। उसके बाद एक टमाटर लिया है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। ये 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। इसके बाद एक टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है और 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून सूखी मेथी के बीज लिए हैं और 1 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है ये पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बड़ा चम्मच भर के तेल लिया है जो गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मेथी के बीज। ये साबुत धनिया और ये ज़ीरा। अब इसको हल्का सा तड़कने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। इसको थोड़ा सा फ्राई होने तक भूनेंगे। अभी प्याज फ्राई हो चुकी है। प्याज को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर जिसको प्याज के साथ में अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। लगभग 1 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये टमाटर थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, 1 मिनट हमने इसको भूना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्च, इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार खुद भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे ये हमारे आलू। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पास ये जो मिर्च है इनको हम ऐड करेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा फ्राई करके
मिक्स करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें मेथी ऐड कर देंगे और इसको भी हम हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है जो सबके घर में बनती है और ये बहुत अच्छी भी लगती है। आप रायते के साथ या पराठे के साथ खाइएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें पानी, ये एक गिलास पानी है, इतना पानी कि ये आलू अच्छे से गल जाए। इसमें ये अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करने के बाद हम आलू को ढक देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारे आलू को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। ये देखिए अब इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला और इसको थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट के लिए ताकि ये गरम मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। गरम मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको पकते हुए 1 मिनट और हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे आलू कैसे बन गए। आलू बहुत अच्छे से बने हैं, आप इसको घर में भी ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यह धनिये से थोड़ा सा ये देखिए कितने अच्छे बने हैं आलू। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।